आखिर क्यों मांगनी पड़ी केजरीवाल को माफ़ी? क्या हुआ केजरीवाल के वादों का और करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई का? केजरीवाल जी, जब ये आपने मुहिम चलाई, बड़े बड़े लोगों को बेनकाब करना शुरू किया, तो बड़े लोगों को उम्मीद जगी कि आप इस लड़ाई में ज़रूर कामयाब हो गए और वो सड़कों पे आपका साथ देने के लिए आए। खासकर पंजाब में लोग ड्रग्स से बहुत परेशान थे, बहुत बड़ी समस्या थी। जब आपने शरेआमी ड्रग्स के ऊपर में अपना स्टैंड स्पष्ट किया तो लोगों में एक उम्मीद जगी इस मुसीबत से छुटकारा पाने की, खासकर उन लोगों में जिनके बच्चे इससे ग्रस्त थे और वो अपने बच्चों को गंवा चुके थे। ऐसे लोग सड़कों पर आए और आपकी सपोर्ट में डट के खड़े हो गए। एक बात आपको समझनी चाहिए थी कि हमारे देश में झूठ को सहने की लोगों को आदत पड़ चुकी है 70 सालों के। सच के साथ खड़े होने की हिम्मत करने वाले बहुत कम हैं। आप एक उम्मीद बन के आए कि सच्चाई की ये लड़ाई लड़ेंगे और उन चेहरों से नकाब हटाएंगे जो करप्ट हैं, बेईमान हैं। पर आपको शायद नहीं मालूम कि यहाँ पे वो जो नकाब हैं वो उन करप्ट चेहरों की स्किन बन चुके हैं, उसको उतारना लगभग असंभव है। तो और वो लोग बहुत अच्छी पावरफुल पोजीशनों में बैठे हैं। तो एक बात स्वाभाविक थी कि जब आप उनके खिलाफ़ मोर्चा खोलेंगे तो काउंटर केस तो ज़रूर होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने आप पे केस कर दिए, ये केस होने थे, आपको पता था और आप उसके लिए तैयार थे। एक स्टेज पे आपने बेल लेने से भी मना कर दिया था और जेल चले गए थे। लोगों को आपका स्टैंड पसंद आया, आपकी हिम्मत की दाद दी और लोग आपके साथ चल पड़े। और पंजाब में आके आपने एक लहर चला दी जो कभी लहर ऐसी चली नहीं थी। मौजूदा सरकार को अपनी साख बचानी उसमें मुश्किल लग रही थी एक स्टेज पे, ऐसा भी टाइम आया। फिर आपके ऊपर में केस फाइल हो गया। जब आपके ऊपर केस फाइल हुआ तो लोगों ने ये कॉल दी कि सिर्फ केजरीवाल नहीं, मैं भी कहता हूँ मजीठिया ड्रग का स्मगलर है। और ऐसे बोर्ड लेके लोग हजारों की तादाद में सड़कों के ऊपर खड़े थे सिर्फ आपकी एक कॉल पे। जिस दिन आप अमृतसर आए, आपने खुद कहा कि मजीठिया को कॉलर से पकड़ के जेल भेजेंगे, आप वीडियो देख लीजिए। ऐसे वादे आपने लोगों से किए। उसके बाद आप लोगों को माइक कह के देते थे, उनकी तरफ करके कहते थे बोलो ड्रग का स्मगलर कौन, और लोग बड़े ज़ोर ज़ोर से ये नाम जो आप सजेस्ट कर रहे थे पुकारते थे। अब आप सडनली माफ़ी मांग के चले गए इसमें केस में, ये बात कुछ समझ से परे है। दो तीन कारण जो दिए जा रहे हैं। पहली बात, आपके ऊपर बहुत सारे केस हैं जिसमें बहुत सारा टाइम जाया जाता है। बिल्कुल सही है, आपके पास केस बहुत है आपके ऊपर में, पर ऐसे केस होने ही थे, इसमें नया क्या है? जब आपने बड़ी बड़ी हस्तियों पे इल्ज़ाम लगाए हैं तो वो आप पे केस तो करेंगे, तो ये बात पहले से आपको मालूम थी। तो इसमें नया कुछ भी नहीं है जो अभी हुआ है और आपने माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी हैं। तो ये बात गले नहीं उतरती कि वो केसों में टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि हर केस में आपकी फिज़िकल अपीयरेंस ज़रूरी नहीं है। नंबर टू, दिल्ली की गवर्नेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दिल्ली की गवर्नेंस की चिंता आपको अब कैसे आ गई? जब आप पंजाब में पूरा पूरा दिन रहते थे, कई कई दिन रहते थे, हफ्ता रहते थे, तो आपको कोई चिंता नहीं थी गवर्नेंस की। तो ये भी बात गले से नहीं उतरती। तीसरा, हमारे पास एडवोकेट को देने के लिए पैसे नहीं हैं। आपने पहले करोड़ों रुपए के एडवोकेट हायर किए हैं। दूसरा, आप तो एडवोकेट हायर करने की ज़रूरत क्या है? आपके कई MLA खुद एडवोकेट हैं, वो आपका केस क्यों नहीं लड़ते? बड़ा एडवोकेट या छोटा एडवोकेट नहीं होता। जब फूल का सामने 84 के लोगों के केस लिए तो वो बड़े एक छोटे से एडवोकेट थे और वो 34 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एडवोकेट के जज्बे पे डिपेंड करता है केस को लड़ना। कोई बड़े एडवोकेट या महंगी कीमत वाले एडवोकेट करने से केस में जीत की कोई गारंटी नहीं होती। तो ये बात भी गले नहीं उतरती। हाँ, एक बात
गले में जरूर उतरती है जो वाजिब लगती है कि आपने माफ़ी क्यों मांगी। इन केसों में जाहिर है आपको सज़ा हो सकती थी। अगर आपको सज़ा हो जाती 2 साल से ज़्यादा तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे दिल्ली में, और अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते तो सीएम बनने के चांसेस नहीं होते और पार्टी आपके हाथ से निकल जाती। ये असली बात है कि आप पार्टी पे अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, कोई भी बड़े नेता को पार्टी में नहीं उभरने देना चाहते, और अगर किसी स्टेज पे आपको लगता है कि पार्टी किसी दूसरे के हाथ में जाएगी तो आप किसी भी स्टेज तक वो पार्टी को बर्बाद करने में खुद ही लग सकते हैं। ऐसा ही मुझे लगता है और इसी के तहत आपने किया है। और इतने केसों में से सबसे पहले माफ़ी आपने पंजाब वाले केस की मांगी, जहां लोगों ने आपसे इतनी उम्मीद जताई थी, 4 MP आपको दिए थे। बाकी केसों में तो अभी तक किसी में माफ़ी नहीं मांगी। आपको लगता डिफेमेशन का केस था, डिफेमेशन तो आप पे ऊपर उन लोगों को करना चाहिए जो आपकी बातों में आके सड़कों पे खड़े थे, जो आज मजाक के पात्र बन गए हैं, जिनके बेटे चले गए ड्रग्स में और वो एक उम्मीद के साथ आपके पीछे लगे थे, सड़कों पे खड़े थे, पोस्टर लेके खड़े थे, आज गली मोहल्ले में लोग उनको मजाक करते हैं कि आपका लीडर कहाँ गया। तो डिफेमेशन तो वो लोग करेंगे आप पे, और उन लोगों से माफ़ी मांगिए जिन जो आपके भरोसे अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, पॉलिटिकल क्लास से जो बड़ी स्ट्रांग है पंजाब में, उनसे पंगे लिए बैठे हैं। तो उनसे भी ज़रा एक बार अपना दिल खोल के माफ़ी मांग लीजिए, ये मेरी राय है आपको।